सिमडेगा जिले के बोलवा प्रखंड में धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर बोलवा प्रखंड मुख्यालय के बाजार टांड स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ स्वामी का वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजन अर्चन हुआ। आकर्षक ढंग से सजाए गए रथ पर भगवान जगन्नाथ स्वामी, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों को बैठाकर थाना मंदिर तक लाया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य से रथ नृत्य टीम को आमंत्रित किया गया, जो काफी आकर्षक रही। इसके साथ ही ढोल नगाड़े और मृदुल और झांझ आवाज से माहौल भक्तिमय हो उठा। इस मौके पर रथ संचालन समिति एवं प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी गई। इस मौके पर अंचल अधिकारी बलिराम मांझी तथा प्रभारी अरुणेश रोशन, ASI जितेंद्र सिंह, अंचल निरीक्षक अनिल टूटी, मुखिया सुरजन बड़ाइक आदि समिति के अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ पर रथ यात्रा निकाले हैं। हमारे साथ अंचल अधिकारी भी हैं। आप हमारे बोलवा पंचायत के मुखिया है। आप दिखाना जग रही है। ये अच्छा तृतीय चतुर्थी को यहाँ पर रथ मेला का आयोजन समिति की ओर से किया गया है। पाव मेला का आकर्षण यहाँ छत्तीसगढ़िया नाच है, जो बहुत ही आकर्षक का केंद्र है। सभी को बहुत ही खुशहाली मुमान है। महोदय भी मौजूद है। सर यहाँ पर ये रथ यात्रा चला रहे हैं, आप कुछ कहें? थैंक यू सर। हमारे थाना से पुलिस पदाधिकारी हैं, इनसे भी हम लोग सुनेंगे। सर आप बोले, आप बताएं आज का ये रथ मेला में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। हमारे साथ अंचल निरीक्षक भी हैं। ए मुखिया जी सुनेंगे। अरे लोग पी रहे हैं, थोड़ा सा शरबत और पी लेने दीजिए ना। सभी बोलवा वासियों को और मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये रथ यात्रा मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, बोलवा आने के बाद और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लोगों का उत्साह भी देखते बन रहा है। थैंक यू।